अमृतसर आजादी के 75वें अमृत महाउत्सव नूं समर्पित बाइक राइड रैली जो कि इनकम टैक्स विभाग के वलों आयोजित की गई है। अमृतसर बाइक नाल मिलके इस रैली नूं इनकम टैक्स दफ्तर अमृतसर तो लेह लद्दाख के लिए हरी झंडी दे के डिप्टी कमिश्नर अमृतसर हरप्रीत सिंह सूदन ने रवाना किया। इस मौके डिप्टी कमिश्नर ने दसिया कि यह बाइक रैली पहला वाघा बार्डर इस तो उपरंत पालमपुर तो हुंदी हुई लेह लद्दाख विखे पुजेगी। 15 दिन बाद वापस अमृतसर पुजेगी। डिप्टी कमिश्नर ने यह भी दसिया कि इस रैली का मुख मकसद देश के लोगों नूं 75वें आजादी महाउत्सव संबंधी जागरूक करना है। यह रैली देश के वख वख हिस्सों के लोगों नूं जागरूक करती हुई लेह लद्दाख पुजेगी। मैं जी तुहाड़ी तरह मैं भी इस इवेंट विच मेहमान के रूप च ही आया, पर मेरे लिए बड़े मान की गल हैगी है कि जिहड़ा इनकम टैक्स विभाग अमृतसर वालों जिहड़ा राइडर्स क्लब अमृतसर हैगा अमृतसर राइडर्स क्लब उहदे नाल मिलके अज एक इवेंट स्टार्ट किया जा रहा है। एक बाइक रैली फ्लैग ऑफ की जा रही है जिहड़ी कि वाघा तो हुंदी हुई एक बारी ये लेह लद्दाख की ट्रिप हैगी है। इन्हां दी पूरी इन्हां ने वो जर्नी जिहड़ी अत गर्मी के मौसम विच ये अपनी बाइक्स से जा रहे हैं, इन्हां तो पता चलता है कि इन्हां दा कितना ज़्यादा इस अपने जो इन्हां दा पैशन है बाइकिंग उहदे लई हैगा। इहदे नाल ही जिहड़ा 75वां साडा साल हैगा आज़ादी का उन्हूं खास तौर पर सैलीब्रेट करन लई ये रैली आयोजित की गई है। आज़ादी का अमृत महोत्सव जिहड़ी केंद्र सरकार दी ते पंजाब सरकार दी एक मुहिम है आज़ादी के 75वें वरे विच आके असी अपने आज़ादी के महत्व नूं समझते हुए इस पूरे वर्ष विच असी वक्रा वक्रा एक पूरे साल विच इवेंट्स करन जा रहे हैं। उन्हां दी लड़ी विच ही ये इनकम टैक्स विभाग की एक पहल हैगी है, तो मेरे लिए भी बड़े मान की गल है इन्होंने मैनू इस लायक समझा कि मैं आके शमूलियत कर सकता। ये बारे तो मेरे तो भी बेहतर तरीके नाल मिस्टर खालसा दस पाएंगे जिहड़े कि इस नूं लीड कर रहे हैगे ने। सो मैं बेनती करांगे कि वो तुहानूं आप दसन कि किस पड़ावां तों। इस मौके बाइक राइडर ने गलबात करदे कहा कि उन्हां दा बहुत पुराना सुपना सी कि बाइक राइडर नाल जुड़ना ते समाज दे चंगीआं सेवावां देणा उन्हां दा सुपना अज पूरा होण जा रिहा अते उन्हां नूं लगदा है कि कोई भी बाइकर कम्यूनिटी नाल जुड़दा है उसका एक सुपना होंदा है कि ओह लेह लद्दाख जावे अते अज ओह 12 दे करीब लोग इकट्ठे हो के रैली दे विच हिस्सा लैके लेह लद्दाख वल जा रहे ने। सर मेरा नाम गुरप्रीत है सर, तो सर आप लेह लद्दाख चलने गए हैं तो साड़ी मतलब कि बहुत 2-3 सालों तो प्लैन हो रही थी राइड तो इस मंथ बिकॉज पहला करोना कोविड सीगा तो सब कुछ लॉकडाउन लगा तो आप जा नहीं पाए तो ऐतकी किस्मत ना सब कुछ खुल गया तो आप इस साल लद्दाख की राइड प्लैन की है तो आप करन चलने फतेह करन चलने मैदान। भाजी 12 दिन का सफ़र हैगा वा तो ऑलमोस्ट 2500 किलोमीटर तुम आन जान पै जाना तो आप इतों वाया धर्मशाला तो फिर वाया शिंकुला पास आप लेह पहुँचा तो लेह चो आँदे आँदे फिर वाया मनाली फिर आप अमृतसर फिर आवेंगे। सर जो रूट आप चूज किया है वा वह सारा ही ऑफ रोडिंग है वा सानू राह खुद ही लभने पैने खुद ही बनाने पैने है उ सड़क बनिया बनाया नहीं मिलनिया है। सर ये भी जरूरी होंगे जिंदगी जाना चाहिए एक बार एक्सपीरियंस जरूर करना चाहिए है वा की पता कदों मौका मिले ना मिले। हाँ जी मेरा नाम विकास बहल है जी, बाय प्रोफेशन मैं बैंकर हाँ, आम चीफ मैनेजर इन रिप्यूटेड बैंक। तो बहुत पुराना एक ड्रीम सीगा कि बाइकर कम्युनिटी ने जुड़ना और एक समाज वास्ते और अपने वास्ते एक मैसेज जड़ा वो कन्वे करना तो अज वो ड्रीम जड़ा पूरा होने जा रहा है। और मैंने लगता कि कोई भी बंदा अगर बाइकर कम्युनिटी ने जुड़ता तो वह एक ड्रीम हों कि वो लेह लद्दाख करे क्योंकि लेह लद्दाख इज़ लाइक आ मक्का मदीना फॉर राइडिंग कम्युनिटी। तो अज जोड़ा ड्रीम पूरा हो जा रहा तो अपने जोड़े मैंटोर है जसविंदर भाजी उन्होंने ऑलमोस्ट 25 ईयर का एक्सपीरियंस है तो उन्होंने लीडरशिप के अंदर आप अप्रोक्स 12 जने जोड़े है वो ले जा रहे हैं। टोटल 14 दिन का जोड़ा अपना ट्रिप रहेगा और अनएक्सप्लोर्ड जिहड़ियां रोड आपां कवर करांगे उहदे विच और मैसेज जिहड़ा आपां दे रहे हैं कम्यूनिटी नूं कि यूथ नूं कि स्टे अवे फ्रॉम ड्रग्स ते इहो जी कोई ना कोई हॉबी या अपना कोई ना कोई पैशन जिहड़ा परस्यू करन ताकि इनवायरमेंट वास्ते और अपने वास्ते वो जिहड़ा बैटरमेंट कर सकन।
ਇਹ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਜੀ। ਇਹ ਟੋਟਲ ਹੈ ਜੀ 14 ਦਿਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਹਾਲਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪਾਲਮਪੁਰ ਰਹੇਗਾ। ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਪਾਲਮਪੁਰ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਪਦਮ ਦੈਨ ਜੰਸਕਾਰ ਵੈਲੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੇਹ ਲਦਾਖ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਐਡਵੈਂਚਰ ਹੈ ਜੀ, ਪੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮੋਦੀ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।